आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सूचना, और दूसरी सूचना होगी यूपीपीएससी CFRFO परीक्षा सूचना। और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद। तो देखिए, आज के समाचार पत्र में ये सूचना छपी है कि 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये मैटर है और ये आदेश जारी कर दिया है हाई कोर्ट ने, यानी कि 69,000 से कोई भी आगे इसमें नियुक्ति नहीं हो पाएगी, और ये हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। और इसमें लिखा है कि 6,800 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त चयन सूची विवाद मामले में डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर लगाई मोहर। तो आगे हम देखते हैं इसी के संबंध में। तो देखिए, ये आज दे रखा है समाचार पत्र में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 के एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में, यानी कि 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने एकल पीठ के निर्णय को सही माना है। एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश में कहा था कि यूपी सरकार वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया था कि जो भर्तियां बची हैं, जो पोस्ट खाली हैं, वह 69,000 में जोड़ दी जाएं। लेकिन आदेश जारी हो चुका है कि ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वह नए सिरे से जारी होगी, जो कि खाली पद इस समय हैं। तो जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि कई बार मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में 17,000 से ज़्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है। तो जैसे ही विज्ञापन आएगा या फिर कोई सूचना मिलेगी हमें, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी। लगभग इस समय जो खाली पद हैं, लगभग 17,000 प्लस पद इस समय खाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और ये संख्या आपकी डबल भी हो सकती है, क्योंकि कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 40,000 से 50,000 के बीच में भी ये आपके पद आ सकते हैं। फिलहाल अपनी तैयारी में आप लोग लग जाएं, क्योंकि 2020 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। और जैसे कोई आदेश जारी होगा या फिर कोई प्रक्रिया शुरू होगी, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर हम जानकारी दे देंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण जानकारी दूसरी। तो देखिए, इसमें दे रखा है अमर उजाला समाचार पत्र के माध्यम से, यूपीपीएससी यानी कि CFRFO भर्ती में भी समय से होगी पूरी, 3 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। तो इसके बारे में दे रखा है कि 3 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो इसी के संबंध में कुछ आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और इसी चैनल के माध्यम से कोई भी जो भी भर्ती निकलती है उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, सभी के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड के लिए, या फिर GIC के लिए, और RO ARO के लिए, सभी आपको सूचनाएं
इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए इसमें दे रखा है इस बार सहायक वन संरक्षक यानी कि ACF और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO की भर्ती भी समय से पूरी होगी। ACF और RFO 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो इसमें दे रखा है कि ये मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, परीक्षा 20 अप्रैल को समाप्त होगी और इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। PCS 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ही ACF RFO का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये अमरियाला समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है कि ACF RFO 2021 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल को शुरू होगा और 20 अप्रैल तक ये आपका यानी कि परीक्षाएं चलेंगी और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसी कोई जानकारी हमें मिलेगी इसके संबंध में तो वीडियो बनाकर हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए इसमें दे रखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए आयोग को बनाया गया है परीक्षा केंद्र। ACF RFO मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 तक और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। केवल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की मुख्य परीक्षा यानी कि प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा अपराह्न यानी कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी और मुख्य परीक्षा में विषयों की संख्या अधिक है तो परीक्षा 3 से यानी कि 20 अप्रैल तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। और PCS 2021 की मुख्य परीक्षा 4 दिन में यानी कि समाप्त हो गई थी और इसमें जानकारी दे दी गई है। धन्यवाद।